नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, ऐसे में राज्य सरकार और राज्य की सरकारें लगातार इंतजाम मुकम्मल करने में लगी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आज अहम दिशा निर्देश दिया है और ये दिशा निर्देश कांवड़ यात्रा को लेकर दिया है। सीएम योगी ने दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि हम पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद कर कांवड़ यात्रा को पूरा करने की जो एक प्रक्रिया है उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसकी जो है तैयारी की जाए। इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो लोग श्रद्धालु दूसरे राज्यों से आते हैं, पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित कर यात्रा को पूरी करवाने की जो तैयारी है उसको शुरू की जाए। उन्होंने कहा है कि कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस साल कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के लिए कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। वो इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड और बिहार के जो सरकार है उनसे संवाद करके इसकी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले से भी योगी सरकार जो है कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम करती रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर के सीएम योगी खुद स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं, आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले से भी काम करती रही है और इस पर नज़र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था करनी हो, आराम करने के लिए सुविधा, कांवड़ियों के आराम करने के लिए सुविधाओं की बात हो या कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा, तो ये चीज़ें जो है ये तस्वीरें पहले से ही उत्तर प्रदेश में सामने आती रही हैं जब कांवड़ यात्रा होता है। ऐसे में अब जब 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, कोरोना का मामला भले ही कम हो गया है लेकिन जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स हैं बाकायदे कोरोना को लेकर के उसके ध्यान में रखते हुए, तो दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा है, आपको बता दें उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध करने का ऐलान किया है। पिछले दिनों उत्तराखंड के DGP ने 8 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यात्रा पर प्रतिबंध है, ऐसे में यहाँ जो भी आएगा हो सकता है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये उत्तराखंड के अधिकारियों के तरफ से कहा गया था क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। बता दें कि 2019 में उत्तराखंड में लगभग 3 करोड़ कांवड़िए जो है वो गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश से 27% कांवड़ियों की संख्या थी। दरअसल कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्य से लाखों की संख्या में कांवड़ियाँ हर की पौड़ी पर पहुँचते हैं, जहाँ से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों के लिए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में शिव भक्त उमड़ते हैं सावन के महीने में और उत्तराखंड हर की पौड़ी जाते हैं, वहां से गंगा जल लेते हैं और अपने अपने शिवालयों के लिए जाते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भले ही रोक लगा दी हो लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बिहार और उत्तराखंड की राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित किया जाए और कांवड़ियों के लिए एक सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काम किया जाए।